नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। तुम शायद सोच रही होगी कि मैं एक बेदिल इंसान हूं, पर जब तक तुम समझ नहीं जाती कि मेरे पास भी इंसानों जैसा दिल है, जब तक तुम्हारा गुस्सा प्यार में नहीं बदल जाता, तुम वहां रहोगी और मैं यहां रहूंगा। इसका नाम है अर्जुन, कोलकाता से है। वो वहां से यहां पर आने वाला है माछवरम। देखो, वो हमारे गांव पहुंचे उससे पहले तुम लोगों को उसे मारना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। अब जा सकते हो। ठीक है भाई। सोमो, अरे यहां पे तीसरा पिलर कब तक बनेगा? मैसेज करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। सॉरी। ये ब्लूप्रिंट अंदर रख दो भाई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी शादी की बात की तो इमोशनल होके ब्रिज के पास आ गए? ये ब्रिज मेरे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप लड़की और शादी की बात करते हो तो मैं घर में इस ब्रिज के बारे में ही सोचता हूँ। उस मोमेंट में आखिरी बार मैंने माँ को देखा था।
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी अंगूठी खो गई। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं लेकर आऊंगा अंगूठी, रो मत। बहुत बड़ी मदद की। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मम्मी मारती। आज से तुम मेरे लिए स्पेशल हो। क्या? इधर आओ। तुम समझ गए ना? ए, तुम्हारा नाम क्या है? उस लास्ट मोमेंट में मैंने उसकी तस्वीर अपने माइंड में सेव करके रखी है। कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता डैड। पर वो 18 साल पहले की बात है। अगर उसकी शादी हो चुकी होगी तो ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती हो। मुझे नहीं पता। इसी ब्रिज ने मुझे मेरी माँ से दूर किया था और उस लड़की से मिलाया था। अगर उसे मुझसे दूर ही जाना था तो मैं उससे वाकिफ नहीं होता। जब लड़कियों की फोटो दिखाऊं तो थोड़ा तो इंटरेस्ट शो किया करो। किसी और लड़की से शादी करने के लिए मेरा ये दिल मानता ही नहीं है डैड। कम ऑन, गो एंड गेट योर सोलमेट। आई वांट टू सी द हैप्पीनेस on your face. Thank you, Dad. Hey, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी बैठ। अरे पकड़ो उसे जल्दी जल्दी करो। भागने ना पाए। और तेज और तेज। अच्छा मिस हो गया। ये दिन एक दिन इतिहास बन जाएगा ये किसे पता था। आज से ठीक 50 साल पहले अपने इस गांव में जब फसल काटने का टाइम आया तभी हमारी फसल बाढ़ में बह गई। किसानों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद हमारे इस गांव के दो बुजुर्ग लोगों ने ग्राम देवता से प्रार्थना की कि गांव वालों को माफ कर दें। ग्राम देवता ने उनकी प्रार्थना सुन ली, तब जाकर ये ब्रिज बन पाया। इस ब्रिज को बने हुए 50 साल हो गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हमें जश्न मनाना चाहिए। इसलिए मैं गांव की सरपंच सरोज जी से कहूंगा कि वो इस मौके पर कुछ कहें। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे बर्बाद करने के लिए मतलब जिताने के लिए इतने ज्यादा वोटों से। हे, बहुत ज्यादा वोट से जीती थी ये, तो बस एक वोट से ही जीती थी ना। आप सबको मेरी तरह बनना चाहिए। मतलब कि निडर। मैं चाहती हूँ कि अपने अंदर मतलब आपके अंदर के डर को बाहर निकालूं और सबको निडर बनाऊं। अपने अंदर के डर को भगाने के लिए तालियां बजाइए। चलिए। और भाई तुम क्यों रेडी हो रहे हो जीतने के लिए? क्या क्यों? तुम नहीं आ रहे क्या? नहीं भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन क्यों? अरे अबे यहाँ क्या मिलने वाला है, हम तो बस भीड़ में अजय को जिताने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं बस। ए! तुम्हें एक बात पता है क्या? पहले बात तो पूछो तभी तो बता पाएंगे। अरे अजय इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ज्यादा खुश मत हो, उसकी जेरोक्स कॉपी है यहाँ पर। कौन स्वीटी? बहुत चालाक है वो, शहर से आ रही है। उसे हराने के लिए तुम्हें ना असली मर्द बनना पड़ेगा। तुम्हें वो बात है? इन दो गाँव के बीच जो बाइक रेस है उसमें पहली बार एक लड़की पार्टिसिपेट कर रही है। अजय की सिस्टर इन लॉ है और ऊपर से स्वीटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है जो बाकी लड़कों से कम्पीट करेगी। देखते हैं कि वो बाकी लोगों की तरह हार जाएगी या फिर इस रेस में जीत जाएगी। मुकाबला रोमांचक होगा।
थोड़ी ही देर में रेस शुरू होने वाली है। अरे बिना पेट्रोल के गाड़ी मुझे किसने दे दी? अरे तेरे बस का कुछ नहीं है, रहने दे। सबको देख लो, चमन की उड़ती धूल। बॉस, आपने उसे आसानी से जीतने क्यों दिया? ये तो ट्रिक है, वो क्लेरिफाई करने के लिए मेरे पीछे जरूर आएगी। देखिए उसके बाद उसकी तारीफ करके पटाऊंगा। ओए ओए ओए, आप एक आम इंसान नहीं है बॉस, आप वायरस नहीं एंटीवायरस हो। अब मैं भी आपकी इसी ट्रिक को अपना करके लड़कियां पटाऊंगा। दीजिए बॉस, अपना टैलेंट दिखा के आता हूं। अरे वाह, तू तो जीत गई। हां यार, सच में बहुत अच्छा रेस किया। पता है क्या, हमें तो लगा ही नहीं था कि तुम जीतोगी। सीरियसली, मैं नहीं जीती, उसने मुझे जीतने दिया। उसने तुम्हें कैसे जीतने दिया? कौन है वो और उसने आखिर ऐसा क्यों किया? वही पता लगाना है। चलो। क्या वो आएगा? अगर बुलाने के बाद भी वो नहीं आया तो कल मैं उसकी जान ले लूंगी। देखो, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं। तुम कभी भी उस मूड में नहीं होती हो, और मैं हूँ कि पिछले 3 आज से उस मूड में ही हूँ। हे, मुझे परेशान मत करो, ये गांव का माल है, हमें इसे ट्राई करके ये गलती करनी चाहिए। क्या मैडम, आप लड़के की बात कर रहे हो या गाँव के माल की बात कर रहे हो? अभी अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कि गलती करनी चाहिए, मैं समझ रही हूँ, ये दोनों अलग बातें हैं। वो ही सीता, ऐसे ही होगा और ऐसा जरूर होगा। होगा होगा होगा, तुमने एकदम सही गैस किया। मैडम, क्या आप भी? क्यों, ऐसा क्या हुआ, मैं अलग हूँ क्या? क्या मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है? हम सबको ये सब एकदम सीक्रेट रख के करना पड़ेगा, ये बहुत थ्रिलिंग होगा। आओ तुम भी ट्राई करो। चलो जी जी जी। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है, शादी से पहले आप ये सब कैसे कर सकती हैं? ये तो गलत बात है ना। हाँ सीता, लड़कियां ना मैच बॉक्स की तरह होती हैं। वो अगर जलने तक का वेट करती हैं तभी आग लग जाती है, और फिर लास्ट में माचिस की तीली की तरह उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और वो शांत हो जाती है। समझ गई? और एक बार शांत हो गई तो फिर क्या, बात ही खत्म हो जाती है, राग तो रह जाती है ना। लीजिए मैडम जी। अरे आप लोग इसे गाँव का माल कह रही थी? अरे मैडम आप बुद्धू हो, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तो किस बारे में सोच रही थी तुम? मैं कुछ नहीं सोच रही थी, इसीलिए आप ही बताओ। तुम पियोगी क्या? अरे बाप रे, मुझे इस सब की आदत नहीं है। मैं उसकी डिटेल्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। उसने मुझे जीतने दिया, इसका मतलब कि वो इस गांव से है ही नहीं। किसी को भी हार बर्दाश्त नहीं होती, पर फिर भी उसने मुझे अपना सक्सेस गिफ्ट कर दिया। डेफिनेटली उसका कोई मोटो है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे पापा कैसे? वो तो एकदम ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हो? हम जब भी तुम्हें बुलाते थे तुम कोई ना कोई बहाना बना देते थे, लेकिन अचानक ये सरप्राइज कैसे? क्या बताऊं दादाजी, आपने पहले ही बोल दिया कि एक सरप्राइज है।
वैसे आप मेरे साथ कोलकाता क्यों नहीं चलते? कोलकाता में क्या है बेटा, सिर्फ पोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर देखो, प्रेम का माहौल है, मौसम अच्छा है, सब प्यार से रहते हैं। इसलिए आप मुझे से जवान दिख रहे हो। वैसे बाइक रेस में हार कर हमारी नाक क्यों कटवा दी तुमने? दादी, इज्जत तो बस एक पदवी होती है, आप इसे भूलने की तैयारी रखोगे तो हल्का महसूस करोगे। वैसे मैं हारा नहीं हूँ दादी, मैंने उसे जीतने दिया। अगर मैं जीत जाता तो लोग सिर्फ मेरी तारीफ करते, पर मैंने उसे जीतने दिया तो वो मुझे जिंदगी भर याद रखेगी। अपना एक फोटो दो, मैं उसे फ्रेम कराकर उसकी पूजा करूंगी। फालतू का रेस और उसकी जीत, दोनों बकवास। छोड़ो ये सब, तुम यहाँ खुशी से उत्सव मनाने आए हो, अब सब देखने के बाद ही वापस जाना। डन, पक्का। सब के बाद तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हारे साथ सेटल नहीं कर लेती, उसके बाद जाना। तुम कितने दिनों बाद आए हो अर्जुन? सरोजा, हाउ आर यू? अपने पति के सामने पराये मर्द से गले मिलते तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? वो पराया मर्द नहीं है, मेरा वन डे बॉयफ्रेंड है, परमानेंट बॉयफ्रेंड है। बचपन में एक ही क्लास में थे, हम एक दिन साथ में पढ़े थे। एक दिन में तुम लोग इतने क्लोज हो गए? 10th क्लास तक एक साथ पढ़ते तब क्या होता? ए, अरे तुम्हें पता है ये तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, ना कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो इससे इस तरह से चिपक रही हो। मुझे पता नहीं वो क्या है, मुझे ही पता नहीं है तो तुम्हें कैसे पता होगा? मुझे भी नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बोलूंगी ना। ऐसा मत बोलो। तुम्हें याद है अर्जुन, एक दिन मैंने तुम्हारी किताब फाड़ दी थी और तुम्हें कितना बुरा लगा था। तुम्हें इसकी परवाह है लेकिन मेरी परवाह नहीं है। बताओ अर्जुन, इतने दिनों बाद मेरे लिए आए हो ना? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ स्वीटी के लिए आया हूँ। मेरा फुल सपोर्ट है तुम्हें, तुम मेरी मदद ले सकते हो। मैं तुम्हारे लिए स्वीटी भी ले आऊंगी और सेटिस्फाई भी करूंगी। सेटिस्फाई करूंगी मत बोलो, बोलो कि तुम इसे खुश कर दोगी। अरे वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें तो पता है ना, मैं सेटिस्फाई ही बोलूंगी। अब तुम चुप रहो, एक तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करते वक्त फिसल गई, समझे तुम? अरे तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम्हारी ज़बान फिसल गई बुद्धू कहीं की। मुझे वो सब नहीं पता, तुम्हें पता है ना। मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जो बोलना है बोलो उसे। क्या हुआ? सॉरी, मैं तुमसे मिलके इतनी खुश हो गई कि मेहमान नवाजी भूल ही गई। चलो आओ, बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, बैठो। चलो ना। हे, रुको, हे, रुको ना। अरे चुप रह, क्या हुआ? छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। बताओ ना हमें, क्या बोला इसने तुम्हें? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं डील कर लूंगी, आप हटिए प्लीज। ए, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं क्यों अवॉइड करूंगा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये अच्छा है, सब कुछ करने के बाद तुम मुझे ठुकरा रहे हो? मैं ये सब नहीं सह सकती, मैं सच नहीं छुपा सकती। कौन सा सच? हम दो नहीं, तीन हैं। तीन क्या मतलब? I'm pregnant. Pregnant हो? ये बोलना सच क्या? मुझे कुछ नहीं पता। बोलो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बोलो। इतनी अच्छी लड़की को तुम धोखा कैसे दे सकते हो? ऐसे लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, इनकी तो पिटाई होनी चाहिए। मुझे इसके साथ डील करने दो, आप लोग चलिए। बोलो, तुम मुझे धोखा क्यों देना चाहते थे? वो तुम ही हो, तुम नहीं थे तो और कौन था? मैं था, वो महापापी। तुम इसमें इसे क्यों फंसा रही हो? अगर गुस्सा आ रहा है तो मुझे गाली दो, चाहो तो मार भी सकती हो। हमारे मम्मी पापा मान जाते तो हम अभी शादी कर लेते, पर अभी हम क्या करें, सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया है। चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं। ए, 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 कट कट कट, तुम हो कौन? तुमने सब बर्बाद कर दिया, ये प्रैंक वीडियो था फॉर यूट्यूब पर्पस। सॉरी सर, एक्चुअली मैं आपका पेशेंस टेस्ट कर रही थी, पर मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए बोला था ताकि हम इसे यूट्यूब चैनल पर देख सके, पर इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ए, चल रहे बेकार टाइम वेस्ट किया, प्रैंक वीडियो बना रहे हैं, निकलो। चलो चलो, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं बदली स्वीटी, अभी भी वैसी हो जैसी बचपन में थी, ऐसे ही बात करती थी और इसी तरह से प्रैंक करती थी। तुम, मैं उस छोटी सी स्वीटी को देख रहा हूँ। मेरे बचपन का क्या? I was 7, you were about 5 years old. और तुम गणपति विसर्जन के टाइम ब्रिज के पास आकर खड़ी थी।
तुमने मुझे पहचाना स्वीटी? नाइस नाइस, तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी है। कैसी लगी? अच्छी है ना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब हम प्रैंक्स नहीं कर रहे हैं, उल्टा तुम हम पर प्रैंक कर रहे हो। तुम चांस पाने का ट्राई कर रहे हो, पर ये सही रास्ता नहीं है। हमें ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। सो स्टोरी का अपडेट मे बी वर्कआउट कर जाए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। पागल कहीं का। अरे क्या हुआ बॉस, ये लड़की आपको वार्निंग देकर क्यों जा रही है? लगता है ट्रेंड चेंज हो गया है, हमें भी सोचना पड़ेगा। ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ना, तो कैब इनके लिए परफेक्ट रहेगा। हाँ, ये कैसा काउंटर है? नहीं सच्चाई है। ओ अच्छा, लेट्स गो, पास के गांव में ट्राई करते हैं। अरे वो तो मेरा ही गांव है, मुझसे दूर नहीं जा सकती। ए, जानते हो लोगों को डर कब लगता है? जब वो कोई गलती करता है, जब उन्हें उनकी गलती की सजा मिलती है। तुझे पता है मैंने तुझे चाकू क्यों मारा? ऑलरेडी एंगेज लड़की से प्यार करने के लिए, और दूसरा किस लिए पता है? क्योंकि जब वो अकेली थी तब उसे तूने टच किया। दोबारा अगर तूने यहां आने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, आपने उसे दोबारा ना आने की चेतावनी तो दे दी, लेकिन क्या वो जिंदा बचेगा? मैंने उसे जान से नहीं मारा है, ऐसे मारा है कि उसकी जान नहीं जाएगी। जिंदगी और मौत में बस थोड़ा सा फर्क होता है, और ये उसी के बीच में है। हे माली। हाँ मालिक। हमारे गार्डन से जो नई खुशबू आ रही उसे चेक करो। आसपास कोई लड़की नहीं है। लेकिन मैं उसे सूंघ पा रहा हूँ, तो जाके देखना। ठीक है मालिक। फूल लेने के लिए आई हो? नहीं, मैं गार्डन देखने आई हूँ। माली। मालिक ये लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये क्या? अरे फूलों को कभी मना नहीं करना चाहिए। लो इसे। मुझे दो। अब ये लो तुम। ले लो, लो। मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी अनजान से फूल नहीं ले सकती। अरे हाँ। तुम मुझे अपना रिश्तेदार समझ लो, इस पूरे गार्डन को अपना ही समझो। तुम्हें कभी कभी यहाँ आना पड़ेगा। अब इसे ले लो। हाँ ये हुई ना बात। मैं चलती हूँ। ये बोलो जल्द ही मिलेंगे। ठीक है। आराम से लेकर जाना। ये लो। ये मिठाई किस लिए? कोई गुड न्यूज है? एक गुड न्यूज नहीं, दो है। क्या न्यूज है? एक साल में ही हमारा मार्बल बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा, बस तुम्हारी वजह से। अरे वो तो आपकी कड़ी मेहनत से हुआ है ना, अगर आप मेहनत नहीं करते तो ये कहाँ होता? नो नो, मेहनत तो दोनों की होती है, मालिक और वर्कर दोनों की। कुछ पाने के लिए लक बहुत जरूरी होता है, और वो लक तुम हो। क्या आप भी ना हमेशा मेरी तारीफ करते हो? तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती हो, सच में। वैसे दूसरा गुड न्यूज क्या है? ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पंडित जी ने हमारी शादी के लिए शुभ मुहूर्त तय कर दिया है, अब हम दोनों एक हो जाएंगे। ये क्या, मिरर में तो हूँ, कहीं तुम्हारे दिल से गायब तो नहीं हो गया? मेरे दिल में आप ही हो। थैंक गॉड, मैं वहां तो हूँ। सच बताऊं तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरी होगी। आईना सच बताता है, ये ऐसे ही दिखता है जैसे हम हैं। मेरा दिल भी वैसा ही है, मैं हमेशा आपकी ही हूँ और हमेशा आपकी ही रहूंगी। किसी भी डाउट्स के बिना हैप्पी रहो, ठीक है ना? ओके। गणपति बप्पा और ये होया। ये सब क्या है? हम सब तो खुद में ही कलर लगा रहे हैं, वो कहाँ है बताना? इन कलर के बीच में वो कहीं छुप गई होगी। उसने अपने आप को ढक रखा है, देख। Come on, let's go. चलो, 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 पकड़ो उसे। हाँ,
थैंक यू। किस लिए? मेरे दिमाग में आने के लिए। तुम उतने भी लकी नहीं हो। हे, तुम लोग मुझे कलर लगाने वाले थे ना, अब दम है तो इसे लगा के दिखाओ। क्या हम इसे डरते हैं तो? क्या ये कोई बड़ा तोप है? अरे लगाओ मुझे। हाँ, हम लगा देते ना कलर। चलो वन सेकंड, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, वो सुनने के बाद ही डिसाइड करना, समझ गई ना? अरे पकड़ो उसे। देख लिया ना क्या हो गया तुम्हारी वजह से? मैंने क्या किया? अरे तुमने तो आइडिया दिया था ना। सो व्हाट? मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं कितना भी ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें वो फ्लैशबैक याद ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखो ना, हो सकता है अभी सब कुछ याद आ जाए। सॉरी मैं नहीं कर सकती, तुम मुझे हमेशा वो ब्रिज की बात करके इरिटेट करते रहते हो, मुझे कुछ याद आया तो बोलूंगी। ओए, याद आ गया तुम्हें? नहीं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बचपन में मैंने कैसे जम किया था, तब तुम्हें याद आ जाएगा। ए, ये क्या कर रहे हो? एक मिनट। इसकी डेप्थ कितनी होगी? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं जम कर लूंगा। नहीं रुको। क्या? अरे नहीं छोड़ो मुझे, मैं जम कर लूंगा। याद आ गया क्या? मेंटल। ये क्या, तू तो पूरी तरह से भीग गई। गिली कैसे हुई तुम? इसने कुछ किया क्या? चलो इसे सबक सिखाते हैं। चल। ए, रुक रुक रुक। अरे 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 लगाओ लगाओ इसे, लगाओ, बस बस छोड़ना मत। बिल्कुल मत जाने देना इसे आज। छोड़ो। हे बड़ी, एंजॉय मैन लड़कियां लगा रही हैं। हम लगा रही इसलिए एंजॉय नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो लगा रही होती ना तो बहुत एंजॉय करता। क्या वो इसे प्यार करती है? नहीं, ये उससे प्यार करता है। वन साइड लव है, फूलिश का है। प्यार किसी पर एक सच्ची फीलिंग होती है मेरे भाई, उसमें कुछ वन साइड या टू साइड नहीं होता है। ये तब भी डाइवर्ट नहीं होता जबकि सामने वाले को उसका एहसास भी ना हो, और वो फीलिंग्स जिंदगी भर रहती है। दैट इज लव। यू प्रॉबली नेवर अंडरस्टैंड ब्रदर। हु इज दिस गाय? ही इज अ क्रेजी गाय। ओके ओके, दिस इज ऑल माय बेस्ट फ्रेंड एंड श्याम। हेलो। हाय। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, ये है मेरी स्वीट हार्ट स्वीटी, प्लीज कम। हाय। हाय। कम। गेस व्हाट? व्हाट? टुडे इज माय बर्थडे। ओह, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे हाथ में रंग लगा है, डैडी ने फोर्स किया कि इस बार मेरी बर्थडे पार्टी गेस्ट हाउस में मनाएंगे। ओके, तुम सब आना, शाम को आ जाना, और हाँ अपनी फ्रेंड को भी ले आना। प्लीज चलो ना यार। हाँ, चलना यार। हाँ यार, प्लीज मना मत करो, चलेंगे ना, मजा आएगा, प्लीज। मालिक, वो बच्चा भी आपकी तरह ही फूलों को सूंघ रहा है। पागल, जरूर उसे ये अपने बड़ों से संस्कार में मिला होगा। मैं समझा नहीं मालिक। उसकी माँ 10 साल पहले यहाँ काम करने आई थी। आपने कुछ किया था क्या? है पागल, मैंने तो उसे बस एक फूल दिया था। वैसे यहाँ चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए। अरे उनके आने से भला मैं क्यों परेशान होऊंगा? तुम तो बस ये पता लगाओ कि मोहनी आ रही है कि नहीं। मालिक, पद्मावती की बड़ी बेटी जवान हो गई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ए, जल्दी जाओ और उसे कुछ फूल देकर आओ। फूल क्यों देंगे? क्योंकि ये आशीर्वाद होता है। जाओ। ठीक है ठीक है, चल 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 चलते। Guys, guys, thanks a lot for coming to my birthday. You made it very special to me. तुम्हारे लिए एक surprise है। Surprise? क्या? Dance ballad with different entertainment. Are you guys ready? Yeah!
ओके एंजॉय। Come, oh. Darling. In, oh, please leave me. Chodo, chodo mujhe. In, hato. Chodo. Chodo mujhe. Hey, chodo se, chod. Are you girls okay? Sweetie, कहाँ है? No, please leave me. Sweetie, hey! अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो इस लड़की को शूट कर दूंगा मैं. Okay, उसे जाने दो. Drop the gun! मेरे दोस्तों को मार के तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है. मेरा ईगो हर्ट हो गया. ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए. उसके बाद इसे जाने दूंगा. क्या करूं मैं? तूने मेरे दोस्तों को मारा है ना, इसलिए अब तुझे मार खानी पड़ेगी. नो प्रॉब्लम, मुझे जैसा चाहो मारो. मार इसे. हमें दोबारा ना मार सके, इसलिए मैंने इसे मारने को कहा. अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा ना तो ये बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा. ए, मैं इसे खत्म कर दूंगा. तब तक तुम लोग उनके साथ और मैं स्वीटी के साथ एज इट इज कंटिन्यू करूंगा. जाओ ना. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बोलो. वो गांव के लोग वाटर टैंक बंद कर रहे हैं, मैं अपने चेक के लिए आया हूँ. ठीक है. अच्छा, क्या आप स्वीटी के बारे में सोच रहे हैं? तुम्हें कैसे पता चला? चेक की जगह आपने पेपर पे साइन कर दिया है सर. उसके बारे में सोचते सोचते सब कुछ भूल जाते हैं आप. हाँ सही कहा, उसका बर्थडे आने वाला है ना. तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, उसका बर्थडे ही तो आ रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है. वो बस एक याद नहीं है, मेरी जान है. मैं उसे ऐसा गिफ्ट दूंगा जो उसे जिंदगी भर याद रहे. वो उससे भी ब्यूटीफुल होना चाहिए. तो एक काम करिए, क्यों ना आप उसे ही उसे गिफ्ट दे दीजिए. उसे ही उसको? अरे हाँ. कैसे? आप एक लाइव पेंटिंग बना के उससे अच्छे से फ्रेम करवा के उसे गिफ्ट कर दीजिए. वो जिंदगी भर आपको अपने दिल में बसा के रखेगी.
तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पड़ोस में एक आदमी है, उसे बुलाऊं मैं? उसे अभी बुला के लाओ। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, नहीं हेडस्ट्रॉन्ग। पर तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? हाँ बताओ, किसने तुम्हें इतनी खूबसूरती दी? और किसने? तुम्हारे होने वाले पति ने। अरे नहीं छोड़ो भी, ये किसी और ने दिया होगा। अरे तुम वो कौन है और कहाँ से आया है? अरे कहाँ से आएगा, उस कलकत्ता वाले ने दिया होगा। थोड़ी चाय पी लो। अरे मैंने कभी तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दिया। किसने दिया ये? वो मेरा है। हेलो, ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं नहीं दिया है साहब, मुझे ये होली के दिन ब्रिज पर से मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इन्हें दे दिया। ठीक है ठीक है, ये अर्जुन है मेरा दोस्त, एक हफ्ते यहीं रुकेगा, उसे बिल्कुल परेशान मत करना, उसे डिस्टर्ब भी मत करना, समझ गए ना? चलो जाओ। हेलो, मेरा हंस वापस दो मुझे। ये हंस पहले तुम्हारा था पर अब ये मेरे दिल में है, मैं इजली नहीं दूंगी। ओहो, तो बताओ मुझे ये कैसे वापस मिलेगा? तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा। क्यों? मेरा दिल मेरे अजय का है, मैं उन्हें दूंगी। तुम मुझे ही दोगी? ओ सच में? वो कैसे? पॉइजन से भी दूध निकालने की एबिलिटी होती है हंसों में, इसे पता है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए ये तुम्हारे पास आया है। ये तुम्हें अजय से लाकर 100% मुझे ही दे देगा, मतलब मेरा ये हंस। इसे बोलो कि ये सपने ना देखे, इसे ये सूट नहीं करता। हेलो अर्जुन, पेंटिंग रेडी है? हाँ हाँ मैं बना रहा हूँ, मैं आके चेक करता हूँ। हाँ ओके। वैसे वो कोलकाता वाला लड़का यहाँ पर कैसे आ गया बताओ जरा? उसे आने दो, जैसे भी आया हो मेरे पास भी प्लान है। जरा यहाँ तो आओ। हाँ आ रही हूँ। हे आके मेरा दुपट्टा ठीक करो। हिचकी आ रही है क्या? मैं पानी लाता हूँ। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है तो हिचकी दूर हो जाती है, ऐसा कहते हैं। थैंक्स। किस लिए? मेरी हिचकी भगाने के लिए। हिचकी दूर करने के लिए या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज देने के लिए? चला। कहाँ जा रही हो? ये लो। वैसे तुम यहां पर कैसे आ गए? ये इंफॉर्मेशन वन किस वर्थ करता है, क्यों? ठीक है तुम बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस कोई ऐसे करता है क्या? यहाँ पर हाथ रखो और अच्छे से प्रॉमिस करो, समझे? फिर तुम पे भरोसा करूंगा। प्रॉमिस। ओके। प्रॉमिस हाथों में हाथ डालकर किया जाता है, इस तरह से नहीं। पर ये सही रास्ता है ना? शायद गलत है। ऐसा कुछ खास नहीं है। बताओगे या नहीं? बताऊंगा। तुम्हारा अजय तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर एक लाइव पेंटिंग गिफ्ट करना चाहता था और वो इस पेंटिंग वाली बात को अपने मन में बिल्कुल सीक्रेट रखकर मुझे यहाँ पर ले आया है। तो तुम आर्टिस्ट हो क्या? ऑफ कोर्स। तुम पे कैसे भरोसा करूं? बस मुझे एक पोज दे दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है देखते हैं, अपना आर्टिस्टिक स्किल दिखाओ।
एक अच्छा सा पोज करो। हाँ ये अच्छा नहीं है। ये कैसा है? रुको मैं आ रहा हूं। ये कैसा पोज है? ऑल बैड। ओके लिसन, टर्न अराउंड। हाँ ये टर्न अराउंड। हाँ फिर ये पुट हैंड डाउन। ये हाँ ओके अभी ठीक है। इसे पकड़ के कब तक खड़ी रहूंगी? हे होल्ड द पोज। हे इस बैक पोज में क्या है? हाँ इतना इजीली कैसे दिखाऊं? रुको दिखाओ मुझे इसमें क्या है। दिखाओ क्या बना रहे हो? हे ऐसे कैसे देख सकती हो? कहाँ जा रहे हो? रुको दिखाओ मुझे। रुको नहीं नहीं अरे रुको दिखाओ तो पहले। नहीं नहीं रुको ना। अरे रुको मैंने कहा रुको। मान जाओ। मुझे अजीब सा लग रहा है, जल्दी दिखा दो मुझे, मुझे जाना चाहिए। हे, तुम्हें पता है वहाँ तिल होने का क्या मतलब है? तुम बोलो। वहाँ पे तिल का मतलब होता है कि लड़की 100% लव मैरिज करेगी। ऐसे तुम्हें किसने बोला? शास्त्रों ने। ये सब बकवास है, मैं अजय से ही शादी करूंगी। अरे ये क्या है? तुम पेंटर नहीं हो? नहीं। तो यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। रुको तुम। वो फोटो तुम्हारे जैसा ही दिख रहा है। बाय। भाभी आप यहाँ आए हो? नहीं मैं तब आई जब दोनों एक दूसरे के करीब थे। मेरा भाई तुमसे शादी करना चाहता है और तुम किसी और की जिंदगी हो। वो इतना खर्चा कर रहा है और तुम अपना करियर इस तरह खराब कर रही हो। तुम्हारे पास जो जॉब है वो उसी की बदौलत है, ये बात याद रखना। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें वो पसंद है क्योंकि तुम दोनों इतने क्लोज हो। मेरा भाई तुमसे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भगवान से भी लड़ सकता है, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, मुझे पूरा यकीन है। परसों तुम्हारी एंगेजमेंट है, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, जो तुम्हें पसंद है सिलेक्ट कर लो। अब जाओ। रुको, उम्र और खूबसूरती हमेशा नहीं रहते, जो हमेशा रहता है वो है चरित्र, उसे खराब मत करो। और लड़का चाहे कोई भी हो, उसे धोखा देना अच्छी बात नहीं है, समझ गई ना? चलो जाओ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसके इतने करीब कब आ गई। ये काफी हो गया। अगर मैं एक और कदम आगे बढ़ाऊंगी तो शायद मुझे उससे प्यार भी हो सकता है। At the same time, मैंने गलती भी कर दी है। मैं ऐसे बिहेव करने लगी उसकी वजह से उसके मन में फीलिंग्स बढ़ने लग गई। मुझे ये सब रोकना पड़ेगा। हेलो अर्जुन। हाँ बोलो। तुमसे जरूरी बात करनी है, ब्रिज पर आओ ना जल्दी। ब्यूटीफुल प्लेस नो। देखो अर्जुन, मुझे मेरे बचपन की कोई भी मेमोरीज याद नहीं है। भगवान हमारी जिंदगी के बारे में डिसाइड करते हैं, इसे हम किस्मत बोलते हैं। एग्जैक्टली इसलिए तुम इतने साल मेरे दिल में थी, इसलिए तो मैं यहां पर तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूं, इसलिए तो हम दोनों आज एक दूसरे के सामने हैं और इस तरह हमेशा मिलते हैं, इसलिए तो हम दोनों इतने करीब आए हैं। देखो अर्जुन, मैं तुम्हारे क्लोज थी इसलिए तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स आ गई हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वो बस फीलिंग्स नहीं है, मैं खुद को नहीं जानता था तब से वो फीलिंग्स मेरे अंदर हैं। दे हैव नाउ कम टू डिफाइन मी। स्वीटी
तुम मुझसे शादी करोगी। I love you, sweetie. I love you so much. क्या तुमने मुझे इसलिए यहां पर बुलाया था? तुम आओगी और आकर आई लव यू बोलोगी। तुम जब तक नहीं आओगी मैं उस ब्रिज के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्वीटी, क्या हुआ? तुम जिसे भी मेरे लिए चूज कर लेते मैं उससे शादी कर लेती, पर मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। ये जानने के बाद मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। तुमने मुझे ये जिंदगी दी है, मेरे लिए भगवान के जैसे हो। मैं तुम्हें अपना भगवान मानती हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। कैसा धोखा? मैं अनजाने में अर्जुन से प्यार करने लगी हूँ। वो अपनी पूरी जिंदगी मेरी यादों से जी रहा था। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मेरा दिल कहीं और होगा तो फिर वो धोखा होगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। बोलो ना, तुम्हें उदास क्यों? हे, इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कमाल है। Thank you.
जाओ जाओ। बेटी, अर्जुन ने ये दिया है, तुम्हें देखने को कहा है, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। सॉरी स्वीटी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया है, मैं तुम्हारी इमोशंस के साथ खेला। मुझे यकीन था कि तुम मेरी ही स्वीटी हो, पर मुझे कुछ ही देर पहले ही सच्चाई का पता चला कि तुम वो स्वीटी नहीं हो जिसके लिए मैं यहां पर आया हुआ था। तुम दोनों का नाम बिल्कुल सेम है और तुम लोग एक ही घर में एक ही गांव में रहती हो, तो मुझे लगा कि तुम ही मेरी स्वीटी हो। मैं तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनने के लिए ब्रिज के पास इंतजार कर रहा था, तुम नहीं आई, पर एक अंकल ने मुझे डिप्रेशन में देखा और मुझसे पूछा कि तुम अकेले और डिप्रेस क्यों खड़े हो, क्या बात है, एटलीस्ट तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना। तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी, उनसे कुछ नहीं छुपाया। इस गांव के इसी ब्रिज पर मैं एक लड़की से मिला था, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं इतने सालों बाद उसके लिए यहां पर आया था, उसे बहुत फॉलो किया, उससे प्यार किया, उसे मैंने प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया और अभी वो अपने परिवार के किसी लड़के से एंगेजमेंट कर रही है। बस इतना ही। तुम वही हो जो उस अंगूठी को ढूंढने के लिए पानी में कूदे थे और मैंने तुम्हें बचाया था, क्या तुम उस लड़की के लिए आए हो? अरे वो लोग अब यहाँ पर नहीं रहते हैं बेटा, वो लोग तो 20 साल पहले ही यहाँ से चले गए। तो फिर ये स्वीटी? नहीं बेटा, ये स्वीटी वो लड़की नहीं है। मैं अर्जुन। इडियट, कहाँ थे तुम? हाँ, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 18 इयर्स। प्लीज कम बैक, आई कांट वेट टू सी यू। मैंने कंफ्यूजन की वजह से तुम्हें बहुत परेशान किया और मैं तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला। आई एम रियली सॉरी स्वीटी, पर थैंक गॉड कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। तुम अजय से प्यार करती हो ना, ये ब्रिज तो अमेजिंग है। तुम्हें मुझसे प्यार हो उससे पहले मुझे सच्चाई का पता चला, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। अजय तुम्हारा ख्याल रखेगा, यू हैव अ फैंटास्टिक लाइफ, I will always pray for you. Bye, sweetie. I love you, sweetie. तुम जब तक नहीं आओगी मैं ब्रिज पर तुम्हारे इंतजार करता रहूंगा।
तुम शादीशुदा हो? हाँ सर। संडे को आना मालिक, अगले महीने आना, अगले साल आना। चलो रुको। सर इधर आओ। कौन सी क्लास में हो? टेंथ में हूँ। इसे लेकर के जाओ। जाओ। थैंक यू मम्मी। हाँ सर। आप भी लेकर जाइए। सर स्कूल बर्बाद हो गया है, बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये मेरी तरफ से इमोशनल रिवॉर्ड है। थैंक यू सर। रुको। हाँ? स्कूल मत बनाओ, एक कुआं बनाओ। हाँ? बच्चे स्कूल के पास जाते हैं, लड़कियां कुएं के पास जाती हैं। हाँ? वो वहां से अपने लिए पानी निकालेंगी, प्रकृति बहुत खूबसूरत है। उसी कुएं में डूब जाएगा। हैं? डाकोटा बैंक, ये कहाँ है? अब जहाँ होना चाहिए वही है, जाके ढूंढो। पैसे नहीं मिले तो जानता है ना क्या करूंगी। मैंने तुम्हें नहीं उसे किस करने को कहा। मैं एक लड़की हूँ, अच्छा होगा अगर वो पहले किस करे। रोमांस और वायलेंस लड़की की वजह से जनरेट होता है, सो अच्छा होगा तुम पहले किस करो। मैम ये बिल्कुल नया और फ्रेश है। हमारा कॉन्सेप्ट भी फ्रेश है, तो इतना खर्च करने का क्या मतलब है। ओके फाइन, लुक एट मी। ऐसे ही करो। ओके ओके मैम। ओके गाइस रेडी, कम ऑन रेडी। कम ऑन मूड, रोल कैमरा, रोलिंग एक्शन। यस परफेक्ट कट। सुपर्ब। हे यार, मॉडर्न एड फिल्म मेकर, तो ऐसे रो क्यों रही हो? ये आंसू नहीं है, खुशी के आंसू हैं। इतने सालों बाद तुम्हें देख रही हो ना, उसी का एक्साइटमेंट है। आई एम सो हैप्पी। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पूरी दुनिया जीत गई हूँ। गाइस बैक अप। खत्म हो गया क्या? यस, तुम आ गए तो खत्म। आपने मुझे क्यों बचाया? हमने तुम्हें नहीं बचाया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। भगवान ने ही तुम्हें बचाया है और उसी ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। ऐसा कोई काम जरूर होगा जो तुम्हारे द्वारा अभी होना बाकी है, इसीलिए तुम्हें बचाया है। नहीं, मेरे करने के लिए अब और कुछ भी नहीं बचा है। शांति, रोने दो इसे, आज इसे यहाँ जी भर के रो लेने दो। कोई नहीं जो इसका साथ दे, कोई नहीं जो इसका दर्द बांट सके, और यही वजह है कि आज ये बिल्कुल अकेली पड़ गई है। माँ, इसका वॉशर मैंने बनाया है। हाँ, देखो ध्यान से मिल जाएगा शायद। इसमें नहीं हुआ तो आप लोग बैठिए, मेरी बेटी अभी आती ही होगी, बस थोड़ी देर में। तब तक आप थोड़ा सा आराम करिए, बैठिए और चाय पी लीजिए। मम्मी पापा आंटी अंकल, आप लोग अचानक यहाँ? सरप्राइज बेबी। सरप्राइज? या। पर क्या डैड? वन मिनट माधो। अंकल कम ऑन माय बॉय। हेलो अंकल, हाउ आर यू? फाइन। हेलो आंटी, ही इज मिस्टर माधो फ्रॉम यूएस। हाय। हाय। 36 26 36। व्हाट अ टेम्प्टिंग फिजिक। गॉड, मैं आपसे गुस्सा हूं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये भगवान जो है ना, वो टेम्प्टिंग फिगर सिर्फ लड़कियों को ही क्यों देते हैं। उस बॉडी में एक हार्ट भी होता है,
और अपने पसंद और नापसंद का सेंस भी होता है। वाओ, इंटरेस्टिंग। अमेरिका में अमेरिकन कल्चर है ना? या। तुम्हें वहाँ कोई मिली नहीं क्या, इसलिए ऐसे देख रहे हो? वाओ, सुपर्ब, सुपर्ब। मुझे ऐसी ही लड़कियाँ पसंद हैं, जो बात करने में तुम्हारी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। पता है क्यों? क्योंकि उनके साथ रोमांस करने में भी बहुत मजा आता है। इट्स क्रेजी यार। मधु, जूस ले। थैंक्स आंटी। बेटा स्वीटी, हमने तुम्हारे लाइफ पार्टनर के तौर पर इसे पसंद किया है, खास अमेरिका से बुलाया है इसे। इससे शादी करने के बाद तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। या। मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी डैड, पर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। व्हाई? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पिछले 18 सालों से अपने बचपन के दोस्त अर्जुन से प्यार करती हूँ, और इतना प्यार करती हूँ कि उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उससे मैं एक पल के लिए भी दूर होती हूँ तो सिर्फ उसके ही बारे में सोचती रहती हूँ कि वो कैसा होगा, और तो और उसी के साथ आने वाली जिंदगी के सपने देखती हूँ। अब बेटा, सिर्फ क्या तुम अकेली सपने देखोगी? उसे भी तो तुम्हें ढूंढना चाहिए ना। या। वो आया है माँ। वो मुझे ढूंढते हुए मेरी जिंदगी में आ गया है, और उसने मुझे ये भरोसा भी दिलाया है कि हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। अर्जुन। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। मैंने अभी तक सिर्फ आपकी ही बात मानी है डैडी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद थी, पर इस बार आप मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए डैडी, क्योंकि अगर मैंने इसे खो दिया ना तो अपने आप को भी खो दूंगी। बेबी, गिव मी सम टाइम, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। आंटी, ये क्या है? अंकल, आप मुझे बताइए अंकल, आप श्रुति की शादी अर्जुन से करना चाहते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स अंकल। आई ऑलवेज प्रिफर माय डॉटर्स चॉइस, बट तुम एक काम करो, 5 दिन यहां पे रुको, और इन 5 दिनों में तुम श्रुति को अपनी तरफ प्रभावित करके तुम अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करो। ओके अंकल, 5 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए अंकल, मैं अपने टैलेंट से उसे 2 दिन में अपना बना लूंगा। अमेरिका का कल्चर है मुझमें अंकल, परेशान मत होइए। देखा तुमने, जब हम इस पौधे को लाए थे ये सूख चुका था, पर अब देखो इसमें नई जान आ गई है और इस पर फूल भी खिला है। जिंदगी भी ऐसी ही है, जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं तुम्हें कुछ भी पूछकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जब तुम्हारा जी चाहे तब मुझे बताना कि तुम्हारा अतीत क्या है। मेरे ब्रदर इन लॉ बचपन से मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी जॉब सब उनकी वजह से हुई है। रो मत बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। जो हमें समझते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं, वो हमें माफ कर देते हैं, वो हमें प्यार से अपना लेते हैं। अपने ब्रदर इन लॉ का नंबर दो, मैं उससे बात करूंगी। बोलो बेटा। हेलो। आज के बाद जिंदगी में कभी भी दुखी मत होना, ठीक है ना? आप ही ने फोन किया था। अंकल, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। सच
में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ अंकल, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में मेरे आइडियाज को यूज करना चाहिए। कैसे करूँ अंकल, आप इतनी दूर जो हो मुझसे। तो जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ मैं पहुँच जाऊंगा। क्या कहा आपने, आप यहाँ आ जाएंगे? जरा मुड़ो और देखो, दूसरी तरफ मुड़ो। अंकल बेटा, आप यहाँ कैसे आए? अपनी एंग्जाइटी छोड़ और ये बता कि बात क्या है। वो किसी और से प्यार करती है। और वो करती क्या है? एड फिल्म मेकर है वो। एड फिल्म मेकर है? वेरी क्रिएटिव जॉब, आई लाइक इट वेरी मच। उसने रिसेंटली क्या बनाया है? मुंह। मुंह? मैं समझ गया। आप क्या समझ गए अंकल, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे छी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है और मुझे भी तुम्हारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप सबको नमस्कार। बेटा मैं इसका अंकल हूँ, मैंने तुम्हारी सारी एड फिल्म्स देखी हैं। मैंने लेटेस्ट एड भी देखा और तब से उसे यूज कर रहा हूँ। अब ये बताओ कि तुम्हारे इरादे क्या है? क्या हुआ बेटा? अरे बोलना क्या हुआ? क्या है कि ओ बेटा, ये भी सेम यूज करता है। क्या दामाद जी भी? क्या सर, ये इतना डिफिकल्ट है क्या? उसे स्मूथली निकालो और फिर यूज करो। ये पागल है, जहां भी जाता है उसे साथ लेके ही जाता है। और अब भी इसके पास है, पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। और हाँ सर, इसकी जरूरत तो कभी भी किसी को पड़ सकती है। तो सर मेरी आपको यही सलाह है कि आप भी सेफ्टी के लिए अपने पास एक एक्स्ट्रा रख लेना अंकल। हाँ ये लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? मैंने ऐसा क्या बोल दिया भाई? अरे अंकल वो एड मूव पे नहीं बना रही है। अच्छा तो मूड पे बना रही है। अरे बाप रे। क्या हुआ था? बेटा तू ऐसे उदास क्यों बैठा है? आपने मुझे एक ऐसी चीज के साथ जोड़ दिया जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, उसी की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। अरे बेवकूफ लोग हार जाते हैं तो दुखी होते हैं, पर बुद्धिमान लोग हारने के बाद भी ट्राई करते रहते हैं। अच्छा यस। ये क्या है अंकल? दिस इज माई स्केच। ये क्या है अंकल, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? इसका कोई मतलब ही नहीं है अंकल। अरे ये हमारा घर है। हमारा घर इतना गंदा नहीं दिखता। अरे मेरी स्केच और पेंटिंग थोड़ी वीक है ना। क्या वो पेंटिंग है? हाँ तो तुम्हें क्या लगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या बात है? आओ बैठो बैठो। आप मुझे यहाँ से भगाने का प्लान कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम रुको। हाँ तो तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे, बताओ तुम क्या कर लोगे? ओहो आपके इस दिमाग से। मेरे दिमाग से तो पीएम भी बहुत इम्प्रेस है, बड़े बड़े फिल्म स्टार मुझे फील करते हैं, सेलिब्रिटी सारी शॉक हो जाती है उन लोगों के सामने, तुम क्या हो? तुम्हारे पास तुम्हारा प्लान होगा, मेरे पास तो मेरा प्लान है। मेरा प्लान और स्ट्रेटेजी एकदम सेम है। अंदर आने के लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है, लेकिन बाहर जाने के लिए वो बंद है। हेलो, ये अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। तुम दोनों के नाम सेम होने से तुम दोनों महाभारत के अर्जुन नहीं बन जाते, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो भी प्लान बनाते हैं वो हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा तो देखते अरे देख लेंगे। अरे हाँ देख लेंगे। अरे देख लेंगे। हाँ तो देख लेंगे, आ जाओ ना। तुम लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अरे बाप रे। अरे ठीक से काम करो। अच्छा इसको हमें क्या करना होगा? यहाँ ऊपर से जाना। तूने मुझे पहचाना कि नहीं? तू मुझे पहचान नहीं पाया होगा, इसलिए मैंने तुझे आसानी से ढूंढ लिया। तुमने मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने कब्जे में ले लिए। मैं जिससे शादी करने वाला था वो भी तेरे पास है। जो कुछ भी मेरा होना चाहिए था वो सब तेरे पास है, इसलिए मैं तुझे वहां भेज दूंगा जहां मुझे जाना चाहिए।
मुझे पता है तुम जानने के लिए एक्साइटेड होगे। सरप्राइज डायरेक्टली देख लो। ए, इसका प्रमोशन कर दो। ए, तुझे मार कर मुझे उतनी खुशी नहीं मिली। तेरी प्रॉपर्टी को टच कर रहा हूँ ये देखकर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तेरी ये बेबसी देखकर मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। दिस इज व्हाट आई वांट। हैप्पी जर्नी। शॉक लग गया ना? अल्ले मेला बच्चा, तुम्हारी दाढ़ी तो बहुत अच्छी है। भले तुम मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होगे, पर मेरे पास जीवन का तजुर्बा है। मैंने बहुत लोगों की जिंदगी के साथ खेला है। मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूं। मेरा रिएक्शन दूसरों के एक्शन पर डिपेंड करता है, इसीलिए अभी तक मैं वेट कर रहा था। मैं तुम्हारा एक्शन लाइव देखना चाहता था। अमीर और भावुक लोगों को अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं आने देना चाहिए, सही वक्त पर आने देना चाहिए। तुमने अपना इमोशन छुपा के रखा है। तुमने मुझे अपने बर्थडे के दिन मारने का प्लान किया था, तो मुझे भी तो कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। सरप्राइज। सेम गन सेम डिस्टेंस, लेकिन उसमें डमी बुलेट्स थी, इसमें ओरिजिनल बुलेट्स। जिसमें अक्कल ना हो वो गंवार, वो कभी ना करता सीधा वार। इडली में सांभर और ये टुकड़ा जब कभी किसी के हलक से नीचे उतर जाएगा तो इस धरती पे क्या पूरे ब्रह्मांड में उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अंकल। या अंकल, ऐसा मत करो अंकल प्लीज। तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम शादी करना चाहते किसी हो ना? और की गलती की सजा किसी और को मिलेगी अंकल, ऐसा मत करिए प्लीज। ए, ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे दुश्मनों के लिए है। तुम्हारे फेसबुक पे समंथा की फोटोज है ना, क्या तुम्हें वो इतनी पसंद है? बिल्कुल। और मैं बहुत ज्यादा। मेरे इतने पास मत आओ, मैं सांस नहीं ले पा रही। मैंने अभी सांस लेना शुरू किया है। तुम्हारा वो तिल मुझे फॉलो कर रहा है, ये चाहता है कि मैं तुम्हें किस करूं। हाँ, क्या तुम हमेशा इसी बारे में सोचते हो? वेल, हे हे स्वीटी, एक्सीडेंट हो सकता है तो अच्छा है ना। वानी, बूजी, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? बाबलू। और एक बार करो। चिनी। रॉन्ग। हमें ये सही टाइम में मिला है, इसे मिस मत करना। आप क्यों नहीं जाके देते हैं? अरे मैं ब्रह्मास्त्र टाइप का आइटम हूँ, मुझे सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए। तुम मेरा इस्तेमाल तब करना जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो। बकवास मत करिए अंकल, जाके अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। चाहिए? हाँ बेटा, तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? आपको ये कैसे पता चला? फैंटास्टिक, सुपर, माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल। लगता है इसके दिमाग पे फिल्मों के डायलॉग्स का बहुत गहरा और दूर तक असर हुआ है। बेटा, एक ही बार में तुमने चार जोक मार दिए। फैंटास्टिक एक जोक, माइंड ब्लोइंग दूसरा जोक, अनबिलीवेबल तीसरा जोक, सुपर चौथा जोक। क्या बात है बेटा, तुमने चार जोक एक साथ मारे। तो बेटा, क्या तुम कॉफी पियोगे? क्या ये कोई प्लान है? अरे बेटा, ये क्या पता चल तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो? ये गलत है बेटा, बहुत गलत बात है। जब सच्चाई की बात आती है तो मेरा नाम पहले लिया जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या मिलाया है इसमें? प्यार मेरे बच्चे। नहीं पता चला। लेकिन ये तो एक काम है। क्या कहा? प्यार एक काम है?
शुगर। ठीक है थोड़ी और शुगर मिला के लाता हूँ मैं। ये यहाँ कौन है? अरे बेटा कॉफी बना रही हो क्या? नहीं अंकल, नहा रही हूँ। अरे बाप रे, इस पे भी फिल्मों की डालों का गहरा असर हुआ है। सब कुछ तो डाल दिया है। बेटा तुम्हें कॉफी बनानी आती है? अंकल ये इतना भी मुश्किल नहीं है। टी पाउडर, कॉफी, सॉरी दूध, कॉफी पाउडर, शुगर, मिला दो कॉफी बन जाएगा। तो ये क्या बनाया है? वही तो अंकल देख रही हूँ मैं, ये तो बन ही नहीं रहा। इसके लिए तुम्हें पहले नीचे आग जलानी पड़ेगी ना, तभी तो ऊपर कुछ गर्म होगा। बेटा गर्मा गर्म कॉफी। आप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, थैंक यू। तुमने तो गर्मा गर्म कॉफी एक ही घूंट में पी ली, कैसी थी? अच्छी थी। अरे वो आपने तो कर दिखाया अंकल, क्या बात है। अरे यहाँ अकेले कैसे पी रही हो? उस लड़के को तो दो। कौन से लड़के को? अरे वो लड़का जो तुम्हें देखने आया है। अच्छा वो मोटा। ए जाके उसे दो। माँ क्या बात है अंकल, आपने तो कर दिखाया सच में। क्या हुआ? वो क्या है कि फोन के गेम में जीत गए ना, इसीलिए। ठीक है, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा। हाँ? कॉफी। ओ माय गॉड, आपने पहले से ही सब कुछ मेरे लिए प्लान कर रखा है। यू आर ग्रेट माय गॉड। अंकल ये देखिए। समझो बर्बादी शुरू हो गई तुम्हारी। सब खराब हो गया। मैंने चेंज कर दिया था। हमें पता होना चाहिए कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोता है वो खुद गिरता है। अंकल अंकल मैं लुट गया। अब वो क्या है कि मैं तुम्हें ओपनिंग सेरेमनी में बुलाने वाला हूँ। मैं उसके लिए नहीं आई हूँ सर, आपका चेक बाउंस हो गया है। ओह माय गॉड, बाउंस हो गया? मुझे लगता है स्विस बैंक से ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट फेस्टिवल में एक बार फिर से दे दूंगा, तुम आकर के ले लेना। वन वीक का टाइम है आपके पास, पैसे अकाउंट में आ जाने चाहिए। पर्सनालिटी देखिए ना मेरी, जबरदस्त है। थैंक यू। लास्ट वीक ना मैंने एक लड़के को मारा था। कहाँ है वो? कोमा में है वो। अच्छा? हाँ सर। क्या कर रहे हो? मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी वजह आप भी हो अंकल। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें क्या अच्छा अंकल, क्या अच्छा है बताइए मुझे। बेटा हमें अभी इससे डील करना ही पड़ेगा। अरे क्यों अंकल, हम फिर से बर्बाद हो जाएंगे। जिसने तुम्हारे साथ ये किया है हम उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वो कैसे करेंगे अंकल? हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है अंकल? इसे तुम्हें उसके गले में बांधना होगा। जाओ जाओ जाओ। नहीं अंकल, मेरे जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ जल्दी। अरे बाप रे, मेरा प्लान फिर से फेल हो गया। श्रुति श्रुति मेरी बात सुनो। अरे रुको तो सही। अरे सुनो तो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? अब आप क्या कहेंगे पापा? ओ पता है आप क्या कहेंगे? ये सब इससे अनजाने में हो गया। पता नहीं आपको ये क्यों पसंद है। पता है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ आप उस लड़के को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर आप किसी भी बेकार लड़के को हाँ बोल के उससे मेरी शादी करा देंगे। आप बस अपने मान सम्मान के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के बारे में नहीं। अगर आप अब भी चाहते हैं कि मैं इससे शादी करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पापा, पर आप
कभी मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैं खुश हूँ या नहीं। मुझे शायद आपसे झूठ बोलना पड़े कि मैं बहुत खुश हूँ। जा बेटा, तुम अर्जुन के पास जा सकती हो, पर तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ सच बताना होगा। थैंक यू पापा। श्रुति। हर औरत हमेशा सुंदर दिखना चाहती है, लेकिन तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। क्या मतलब? अलग हो तुम। हाँ? तो फिर आपने सबको क्यों नहीं बताया? देखो, तुमने शुरू कर दिया। आप या मैं? फिर से शुरू कर दिया। ये सब हमारी दोस्ती से शुरू हुआ ना? अरे रे रे। कितनी मीठी बात बोलती हो। सुनो, इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। एक मिनट रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या एमएलए सर, हर वक्त देखते ही रहोगे या कुछ करने की कोशिश भी करोगे? सही है। वैसे आपका पूरा नाम क्या है? भौरा तुमेड़ा राव सर। तुमेड़ा? हाँ। अरे तो जाओ और फिर जाके फूलों की सुगंध लो। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे भागने का मन करता है सर। मेरा मतलब है कि मुझे अब फूल पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है सर। माली। हाँ मालिक। देखो इन्हें क्या परेशानी है। समझ गया मैं। अरे रे, उधर देखो। जाओ जाओ। अरे जाओ सर। जी मालिक। तुम वहां जाके शूट कर लो। क्यों? कब कौन किसके काम आए पता नहीं, लेकिन ये शायद हमारे काम आए। अरे जाओ। हाँ मालिक। हेलो, मेरे पास एक सरप्राइज है और एक गुड न्यूज। गेस व्हाट? प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है। मैं जो कहने वाली हूँ वो सुनकर मूड तो क्या, तुम नाचने लगोगे और हवाओं में तैरने लगोगे। ठीक है, बोलो। मम्मी डैडी हमारी शादी के लिए मान गए। ओह, क्या हो गया है तुम्हें? हे वाओ, ये तो वही ब्रिज है ना, तुमने इतना सुंदर बना दिया। इसी ब्रिज पर हम दोनों मिले थे। तुमने इस ब्रिज की पेंटिंग इतनी सुंदर बनाई है तो मेरी पेंटिंग तो और भी सुंदर बनाओगे, है ना? I'm very very excited अर्जुन। मैं अपने घर वालों को दिखाना चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ में कितने खुशी खुशी रह रहे हैं। 18 साल से मैं तुम्हारा इंतजार करती आई हूँ, बस अब बहुत हुआ। अब और नहीं, अब तुम ही पेंटिंग करके हमारे मैरिज इनविटेशन कार्ड का डिजाइन बनाओगे और वो हमारी जिंदगी की सबसे सुंदर याद बन के रहेगा। प्लीज, कोई और टाइम ये करते हैं। नहीं अर्जुन, अभी करते हैं ना। देखो ना, तुम जब से यहाँ आए हो मैं तुम्हें देख रही हूँ, अब मुझे सब समझ में आ गया है। कौन है वो लड़की? प्लीज डोंट प्रिटेंड, बताओ। वो स्वीटी है, तुम समझ कर मैं उससे प्यार कर बैठा। गलती तो हो गई है अर्जुन, मैं चाहती थी कि तुम मुझे स्वीटी बुलाओ, इसलिए मैंने तुम्हें पड़ोसी का नाम बताया। उन्होंने हमारा घर खरीद लिया और वो लोग वहीं पर रहने लगे। इस पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है।
क्या कर सकते हैं? What? अब यही हमारी सच्चाई है। एनीवे अर्जुन, अगर हमारी शादी हो गई तो मैं तो खुश रहूंगी, लेकिन तुम नहीं रह पाओगे। और अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो इस रिश्ते का मतलब ही नहीं है। प्यार से पहले दोस्ती का भी तो रिश्ता होता है ना। हम एक दोस्त बनकर रहेंगे। चलो अब तुम उसके पास जाओ, तुम उसे सच्चे दिल से चाहते हो। But what about you? इस सिचुएशन में मेरे बारे में मत सोचो। चलो प्लीज डोंट लूज हर, डोंट लूज योरसेल्फ। नमस्ते सर। आइए बैठिए। हमने उन सभी कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया है जिन्हें आपने सजेस्ट किया था, पर इस बार आपको भी नॉमिनेशन में आना पड़ेगा। मुझे भी? मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं यहां एक आइडिया के साथ आया हूं। अगर आप हां बोले तो मैं बताऊं। हां बोलिए। आप उस लड़की के लिए उसके पेरेंट्स और फैमिली जैसे ही हैं। वो किसी और को पसंद कर रही थी, इस बात से आपको जरूर बुरा लगा होगा, लेकिन आपने उसे उसके पास जाने दिया जिससे वो प्यार करती थी। पर अफसोस, उसने उसे धोखा दे दिया। उसके पास अब सिर्फ आप ही हैं सर। आप स्वीटी से शादी कर लीजिए और उसे एक नई जिंदगी दे दीजिए। पर वो मुझसे प्यार नहीं करती है। इतना कुछ होने के बाद वो आपके पास आई है तो आप उसके लिए मायने रखते हैं? अगर वो आपको पसंद नहीं करती तो वो मना कर देती। उसकी ये खामोशी बताती है कि वो आपको पसंद करती है। मेरी पत्नी और मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली है, बस आप मान जाइए। स्वीटी, आई एम श्रुति। आई नो अर्जुन ने गलती की है, लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है और वो। विल यू शट अप? None of your business. शादी कोई खेल नहीं है जो मेरे दिल के साथ खेल रहे हो, समझी तुम? एक बार हर्ट होके देखो, फिर पता चलेगा। स्वीटी, स्वीटी प्लीज। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। And I can't tell you how sorry I am about it. पर मुझे तब ये नहीं पता था। अभी मैं तुम्हारे लिए आया हूं स्वीटी। स्वीटी प्लीज। मेरे लिए क्यों आए हो? किसने बोला आने को? तुम्हारा जब मन करेगा तुम आ सकते हो, जिंदगियों के साथ खेल सकते हो। तुम्हारे कंफ्यूजन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों आए हो जब कुछ बचा ही नहीं? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, चले जाओ। स्वीटी प्लीज। तुम अंदर जाओ, चला जाओ यहाँ से। अर्जुन, मैंने तुम्हें मेरी मां के जैसा ट्रीट किया। वो लड़की और मैं यहीं पे मिले थे। तुमने बहुत सारे गेम खेले हैं, मुझे लगा कि इससे कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अब अभी देखो, हम दोनों भी खुश नहीं हैं। व्हाई? व्हाई?
आज मेरा दिल टूटा है, एक दिन तुम भी टूट जाओगे, और जब ऐसा होगा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं इस जगह पे कभी वापस नहीं आऊंगा। Are you happy? मिस्टर अजय, हाँ, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, बीपी लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, उन्हें नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम जाएगा, अब उन्हें आगे डिस्टर्ब ना किया जाए तो बेहतर होगा, अगर वो डिस्टर्ब हुई तो शायद कोमा में भी जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर, प्लीज टेक केयर। उसे शहर लेके जाओ, वहां वो ठीक हो जाएगी। यहां सेटल होने के बाद सोचूंगा कि क्या करना है। ले जाओ उसे। ये करने का फैसला उनका था, पर बाद में उन्होंने फैसला बदल दिया। और क्या? मैंने ऐसा बहुत बार होते देखा है। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते एमएलए सर। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे वाह, नमस्ते। ये तो बहुत फेमस हो गए हैं। सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहना है। तो बोलिए ना। आप वैसे तो बहुत कैजुअल हो, लेकिन अंदर से बहुत सीरियस हो, है ना सर? बिल्कुल सही बोला इन्होंने। कैसे? मुझे आपके बारे में सब पता है सर, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। सर, मैंने ऐसा क्या किया सर? मुझे बुरा लग रहा है कि तुम कुछ भी नहीं करते। अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आप पूछिए सर। बताओ, तुम सरकार के लिए काम करते हो या मेरे लिए? सर, मैं काम आपके लिए करता हूँ, लेकिन सरकार के अंदर रहकर। ठीक है, तो फिर जो भी निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है उसके बारे में तो तुम जानते ही होगे। हाँ सर। अच्छी बात है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से उस पुराने ब्रिज को बनाने का निर्णय लिया है, पता है ना तुम्हें? पता है सर। तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? सर, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? हमारे क्षेत्र में कोई पुराना ब्रिज नहीं है सर। तुमने यही गलती कर दी। हमारे गांव में एक ब्रिज है ना। सर, वो अगले 25 साल तक ठीक ही रहेगा सर। 10 साल की उम्र में लोग हार्ट अटैक से मरते हैं कि नहीं? मरते हैं। तो जब इंसानों का एक्सपायरी डेट नहीं होता है तो ब्रिज का कैसे होगा? क्या वो इंसान है? वो तो अपना बचाव भी नहीं कर सकता। पर लोग कर सकते हैं सर। अरे लोगों के पास कोई और काम नहीं है। जो उनके साथ भला करता है उसके साथ वो भला नहीं करते, जो गलत करता है उन पे भरोसा करते हैं। आप लोगों की बात मत करो। सर, अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत रिस्क हो जाएगा। अरे भाई, हम रिस्क लेने के लिए ही पैदा हुए हैं। हाँ, और क्या? अरे भाई, मैं रिस्क लेता हूँ तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, लोगों को शांत करने के लिए आप तैयार हो जाओ, और सरकार को जो चाहिए उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। मैं ट्राई करता हूँ। अरे क्या ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकल बनिए। मैं आपको बताता हूँ। मैं करूंगा सर। ओके सर, मैं करूंगा। करूंगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। अमेरिकन प्रोजेक्ट संभालने के लिए तुम्हें कल ही कोलकाता जाना पड़ेगा। जाने की तैयारी कर लो। ओके सर। अर्जुन, where are you? मैं कॉफी शॉप में। I have to meet you regarding a new project. I am on the way. हमें प्रोजेक्ट डिस्कस करना ही होगा। ए भाई, देख के चलना। Are you okay? Thank God. You saved my life. Let's have some coffee, please. No, that's okay. Please don't mind. Please. Yeah. Okay. मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाता हूँ। You're right. ये भी यार यहीं पे है। One second. Oh no, I have to submit a report today. Sorry, let's do it some other time. I have to go. Okay. Okay, bye. Nice meeting you. Thank you. Thank bye. You. उसने बोला था वो ब्रिज को
एक नई तरीके से बनाने का फैसला लिया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन ईस्ट गोदावरी के लोग इस बारे में सोच सोच कर बहुत ही परेशान हैं। लोग इस फैसले से बहुत नाराज हैं, क्योंकि इस ब्रिज की लाइफ टाइम अभी बची है। गवर्नमेंट इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर मदन मोहन ने इस ब्रिज को तोड़ने का प्लान बनाया है और इस ब्रिज के जगह उन्होंने एक नया ब्रिज बनाने का फैसला किया है। लेकिन माचावरण के लोग इस फैसले के पूरी तरह से खिलाफ हैं। हेलो मदन मोहन, तुम गलत कर रहे हो। मैं जो भी करता हूँ गलत ही करता हूँ, कोई नई बात बताओ। उस ब्रिज को तोड़ना बंद कर दो। और अगर नहीं बंद किया तो? मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो ठीक है, आ जाओ। तुम झूठ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सही बात है, पर मैं ब्रिज को तोड़ सकता हूँ। मदन मोहन, वो बस ब्रिज नहीं है, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। इसीलिए तो उसे तोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों? मुझे सिर्फ दो बातें पता है, अकाउंट सेटलमेंट और डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट्स। मुझे पता है तुम्हें पहले वाला पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें दूसरा वाला चाहिए ना। आ जाओ, मैं तुम्हें भी ब्रिज के साथ खत्म कर दूंगा। मैं आ रहा हूं। लेट द रेस बिगिन। आओ। आ रहा हूं मैं। आ जाओ। इसका नाम है अर्जुन, कोलकाता से है। वो वहां से यहां पर आने वाला है माचवरम। देखो, वो हमारे गांव पहुंचे उससे पहले तुम लोगों को उसे मारना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसने तुम्हें कितने पैसे दिए, लेकिन मैं तुम सबको 25 लाख रुपए दूंगा। जाओ यहाँ से। 25 लाख क्या, 1 करोड़ दोगे तो भी नहीं जाएंगे। एक बात समझ ले, हम तुझे मारने के बाद यहाँ से जाएंगे। हमने भी किसी के साथ कमिटमेंट किया है। हैप्पी जर्नी। अरे रे 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 यार, कमिटमेंट तब करोगे जब तुम सही रहोगे ना। इसलिए स्मार्ट बनो और डॉन बनो। लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए यार, अब आधी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है ना। कमाना कब शुरू करोगे यार? रूट चेंज करो अपना। ये इतना भी आसान नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? इसे तोड़ने में आपको बुरा फील हो रहा है? ये कितना फनी है। ये लोग बोलते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं होता, तो तुम ही बताओ भला मैं क्यों सोचूं कि ब्रिज परमानेंट है? लेकिन लोग आपके फैसले के खिलाफ हैं और आप इसे हर हाल में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इन लोगों से कैसे निपटेंगे? हथियार के साथ। इंद्रदेव के बारे में जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। किसी को भी हराने के लिए वो उतने बलवान नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने अस्त्र को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया। वो था वज्रास्त्र। मेरे पास भी एक ऐसा हथियार है जो इन सबको हरा सकता है। ये है मेरा हथियार। हाई कोर्ट परमिशन टू डिमोलिश दिस ब्रिज
immediately for safety of public. छोड़ो मुझे, अरे वो ब्रिज को नहीं तोड़ रहा है, हमारे गांव की प्रॉपर्टी तोड़ रहा है। छोड़ो, मुझे जाने दीजिए सर, बात करनी है। मदन मोहन, आखिर आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अरे ये बताइए, ये खून खराबा किस लिए? इसकी लाइफ तो खत्म हो चुकी है, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए इस ब्रिज को तोड़ रहा हूं। शायद तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारे लिए नया ब्रिज बना रहा हूं। क्या मैंने तुम लोगों से पैसे मांगे हैं? अरे तो फिर क्यों इशू बना रहे हो? ये इशू नहीं है, आस्था है। हमने फसल को बाढ़ से बचाने के लिए ग्राम देवता से प्रार्थना की थी, तब जाकर इस जगह पर इस ब्रिज को बनाया गया था। ये ब्रिज और हमारे ग्राम देवता हमारे गांव वालों के लिए पवित्र हैं। ये ब्रिज भले ही अपने आप टूट जाए, लेकिन कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो हमारा भरोसा टूट जाएगा। पागल है ये आदमी, आजकल सब कुछ बेचा जा सकता है, तो तुम जब भरोसे की बात करते हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। थोड़ा शिक्षित बनो, मेरी बात सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये ब्रिज तोड़ के ही रहूंगा। अरे हम लोग लकी हैं जो इस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। मैं तो बस लोगों की सेफ्टी चाहता हूं, मैं नहीं चाहता किसी की जान जाए। एसपी सर, अरे कुछ तो कीजिए। सब लोग पीछे हट जाइए, ब्रिज तोड़ा जाएगा। अगर कोई आगे आया तो अपनी जान से जाएगा। गो बैक। एसपी सर, फायर! स्टॉप इट। इस ब्रिज की लाइफ और 25 इयर्स है। अगले 25 साल तक इस ब्रिज को ना तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ये सब कुछ तुम्हारे फेवर में ही रिपोर्ट किया था। लेकिन अभी भी इस ब्रिज की बहुत ज्यादा लाइफ बची है, ऐसा सिविल इंजीनियरिंग कमेटी ने प्रूफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करके इस रिपोर्ट के आधार पर स्टे ऑर्डर पास किया है। अर्जुन, 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 उठो, आराम से। देखिए, ये वही सिविल इंजीनियर है। जिसकी वजह से आज ये ब्रिज बच पाया है। भगवान तुम्हारा भला करे। ओ, मेरे बच्चे। मैं बहुत परेशान हूं। अपने रिकॉर्ड में लिख लो कि तुम्हारे आने से पहले ही ये ब्रिज टूट चुका था, तो ही तुम जिंदा रह पाओगे और अपना अकाउंट बैलेंस भी मेंटेन कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इन लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, ये तुम याद रखना। पैसे के पीछे इतना मत भाग मदन मोहन, अगर पैसा तेरी वीकनेस है तो उनकी जिंदगी उनकी वीकनेस है। अगर वो लोग उसकी फिक्र नहीं करेंगे तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अमीर बनने के लिए पागल मत बना, पैसा इंसान को बदल सकता है लेकिन तू इस बात को सह नहीं सकता, इसलिए संभल जा। अगर तू यहां से जल्दी नहीं भागा तो एक मिनट में मारा जाएगा। अरेस्ट हिम ऑफिसर,
अरेस्ट हिम। एसपी, ये लड़का बिल्कुल सच कह रहा है, अरेस्ट हिम। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है कलेक्टर साहिब। चलो सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। छोड़ो मत इसे। स्वीटी, I love you, sweetie. मुझे कुछ भी बोलने का हक नहीं है, तुम्हें सॉरी कहने का भी मुझे हक नहीं है, तुमसे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करने का भी मुझे कोई हक नहीं है। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ऐसा बोलने का भी अब मैं हक खो चुका हूं ना स्वीटी। लेकिन मैं कुछ बोले बिना यहां से चुपचाप ऐसे ही नहीं चला जा सकता। I love you, sweetie. I love you so much. Oh.